तो हाय दोस्तों, मेरा नाम है देवरत्न अग्रवाल। आप देख रहे हैं इसे टेलीकॉम आपका चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप लोग मोबाइल रिपेयरिंग की फील्ड के बारे में आने के बारे में सोच रहे हैं तो बेसिकली आपको कितना पैसा अपने पास जुगाड़ना पड़ेगा, कितना पैसा आपको एटलीस्ट चाहिए एक अच्छा काम, एक अच्छा बिजनेस करने के लिए और एक अच्छा काम सीखने के लिए। तो ये वीडियो पूरा देखिएगा क्योंकि इस वीडियो में बहुत सारी नॉलेज मैं आपको दूंगा। और क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं, हम तो हमारे जो स्टूडेंट आते हैं उनको तो सारी डिटेलिंग बताते हैं कि आपके टूल्स कितने के आएंगे, क्या आपको सेटअप लेना है। वाकई में कि अगर मैं आपको बताऊं कि ये जो ब्रश है, ये दो ब्रश कि एक ये ब्रश भी आता है मार्केट में, ये ब्रश भी आता है, कौन सा ब्रश आपको लेना है, ये सारी चीज़ें हम बताते हैं स्टूडेंट को। तो ये वीडियो में मैंने सोचा कि चलो आपको बता देते हैं, क्योंकि कमेंट में बहुत सारे कमेंट आते हैं कि सर हम यहाँ वहाँ से मोबाइल रिपेयरिंग तो सीख लेते हैं बट अभी हमको पता नहीं है कि क्या बिज़नेस करना है, आप हम मोबाइल रिपेयरिंग सीखना चाहते हैं तो हमारे को एक क्या एक बजट लेके चलना पड़ेगा, क्योंकि पहले और आपके में ज़मीन और आसमान का अंतर है। अगर टूल की बात करेंगे तो इतने सारे टूल आ चुके हैं दोस्तों, और वो टूल भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट और मैंडेटरी है, मतलब एक जरूरी है। जैसे बिना असेंबली के, बिना माइक्रोस्कोप के मोबाइल रिपेयरिंग नहीं होती, वैसे ही आज के में बहुत सारे ऐसे टूल हैं, अगर वो नहीं होंगे तो आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी। तो इस वीडियो में हम वही बात करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर आज हम इमेंसी चेंज आपको सोल्यूशन दिखा रहे हैं। कौन कौन यहाँ पे इमेंसी चेंज कर लेगा, बस ये देखिए, तो आपको देखकर ही मैं यहाँ पर दिमाग में डाल देता हूँ भाई, इन स्टूडेंट को अपना पर्सनल गिफ्ट देना है। मेरे यहाँ पर कितने बजे के, कितने बजे है? इंडिया का नंबर वन इंस्टीट्यूट कौन है? उसके पहले वीडियो में हमने बताया था कि मोबाइल रिपेयरिंग में कितना कैरियर है और कितना जॉब ओरिएंटेड बिजनेस है, पर आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैरियर तो बहुत है मोबाइल रिपेयरिंग में, पर जो बच्चे नए कैरियर में आना चाहते हैं, जो टेक्नीशियंस थोड़ा बहुत काम कर लेते हैं आज, इनको थोड़ा बहुत नॉलेज है, और जो प्रो लेवल पे काम करना चाहते हैं, एडवांस लेवल पे काम करना चाहते हैं, या मैं कहूँ चिप लेवल पे काम करना चाहते हैं, तो उनके लिए बेसिकली एक इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करना आज के डेट में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि दोस्तों, घर बैठ कर या यूट्यूब देख कर तो पहली बात तो कोई भी ज्ञान आपको नहीं मिलने वाला, कोई ना कोई जो पुराने इंस्टीट्यूट हैं, और मैं आपको यही अपने वीडियो से अपने व्यूअर को यही समझाना चाहता हूँ कि किसी भी इंस्टीट्यूट को ज्वाइन मत करें, उस इंस्टीट्यूट को देखें कि वो कितने पुराना है, कितना पुराने साल में चल रहा है। क्योंकि दोस्तों, हर एक दिन एक नया इंस्टीट्यूट ओपन हो रहा है, और हो क्या रहा है कि कोई भी बच्चा सीख कर आ रहा है तो वो टेक्नीशियन ना बनकर एक टीचर बन जा रहा है। अगर मैं बोलूँ कि बहुत ज़्यादा सही नहीं है, जो कि बात बहुत ज़्यादा सही नहीं है, कि एक टीचर के पास में एक लंबा एक्सपीरियंस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, मार्केट में काम करना भी उसको बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, कि उसको ये नहीं कि सिर्फ डायग्राम बनाना आ जाए या डायग्राम बना के वो टीचर बन जाए, उसको प्रैक्टिकल जॉब करना भी है वो पता हो, और जो मार्केट में फॉल्ट चल रहा है उस फॉल्टों के बारे में भी बहुत ज़्यादा जानकारी हो, जो कि नया आदमी कभी नहीं कर सकता। तो ये मेरी बात एक गांठ बांध लीजिए, आप एसेल टेलीकॉम भले ही ज्वाइन कीजिए नहीं कीजिए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारी तो ऑलरेडी 2-3 महीने की बुकिंग चलती है। बट मैं आपको बता रहा हूँ, आप इंडिया में किसी भी कोने में बैठे हैं, किसी को भी इंस्टीट्यूट ज्वाइन कीजिए, किसी भी नए इंस्टीट्यूट को देखकर कभी भी कोई ज्वाइन मत कीजिए, क्योंकि उनके पास एक्सपीरियंस की कमी होती है दोस्तों। उनका नॉलेज कितना भी हो, पढ़ाने का भी एक टेक्निक और एक नॉलेज होता है जो कि होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, और वो सारी चीज़ें आपसे ही उनको मिल जाएंगे और वो अपना तो नॉलेज निकाल ही लेंगे। तो बस कहने का मतलब है, किसी भी इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करो, ये देख लो कि वो एटलीस्ट 2 साल या 3 साल या 4 साल तो पुराना है, टीचर को कितना नॉलेज है, उनको कितना एक्सपीरियंस है, वो वाकई में मोबाइल बनाना उनको आता है, उनके खुद के कोई वीडियो डले हैं, आपने से भी स्टूडेंट के रिव्यू के वीडियो भी देख लेते हैं, आपसे भी एक इंस्टीट्यूट का आप माइक्रोस्कोप देख के तो चले जाते हैं, बट आप ये नहीं देख के जाते कि उनको कितना आता है। चलिए छोड़िए, ये तो बात हो गई कि किस इंस्टीट्यूट में जाना है। खैर, अब मैं बात करता हूँ कि कितना पैसा आपको जोड़ना है। दोस्तों, मैं बात फीस की नहीं कर रहा कि किसी इंस्टीट्यूट की फीस 1 लाख है, 50,000 या 10,000 है, कोई सी है, वो मैं उसकी बात नहीं कर रहा। मैं बात कर रहा हूँ कि मुझे बिजनेस के लिए कितना पैसा जोड़कर अपने पास रखना है कि हाँ, अब मैं मोबाइल रिपेयरिंग सीख रहा हूँ। सपोज मैंने एक इंस्टीट्यूट से मोबाइल रिपेयरिंग सीख ली है, अब मुझे कितना पैसा चाहिए मार्केट में बैठकर काम करने के लिए। पहली बात दोस्तों, मार्केट में बैठकर काम करना, सबसे पहले आपको उसके लिए कॉन्फिडेंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सिर्फ सीख के आ जाना से हो सकता है कि प्रैक्टिस लेवल आपकी कम हो,
तो मुझे मैं ये सोचता हूँ कि पहले आप 2-3 महीने जम के प्रैक्टिस कीजिए, वो कुछ इक्विपमेंट परचेस कीजिए जो भी आपके टीचर्स आपको बताते हैं, जैसे माइक्रोस्कोप हो गया, SMD हो गया अच्छे लेवल की, या DC मशीन हो गई, ये सारी चीज़ें आप पहले परचेस कीजिए, और परचेस करने के बाद में उसको अपने घर पर सेटअप बनाइए, 2-3 महीने काम कीजिए, जो आपके पास काम आ रहा है, आपको लग रहा है कि आप एक चालू हैंडसेट का CPU निकाल के लगा दे रहे हैं, एक MMC बेसिक प्रोग्रामिंग कर दे रहे हैं, पावर IC निकाल के लगा दे रहे हैं, शॉर्टिंग और हाफ शॉर्टिंग आप लीकेज दूर सकते हैं, और वोल्टेज और आप स्कीमेटिक का नॉलेज है, तो आप फिर आप जा सकते हैं मार्केट लेवल पे। दोस्तों मार्केट लेवल आपको बहुत सारी चीज़ सिखाता है। मार्केट में सबसे पहले आपको ज़रूरत होगी दुकान की। अगर आपकी ऑलरेडी दुकान है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर आप दुकान के बारे में ढूंढ रहे हैं तो दोस्तों किसी भी सस्ती दुकान के चक्कर में मत पड़िएगा, मैं पहले बता दे रहा हूँ, क्योंकि फ्यूचर आपके सवाल का है, फ्यूचर आपके माइंडसेट का है। आज की डेट में दोस्तों कितने भी पॉजिटिव वीडियो आए, कोई किसी को नज़र नहीं रखता। हमारे ये 2000 के ऊपर वीडियो हैं पूरे इंडिया में, सिर्फ एक अकेला मैं टेक्नीशियन हूँ जिसके इतने प्रो लेवल पे वीडियो डले हुए हैं दोस्तों, मोबाइल रिपेयरिंग में आईफोन और एंड्रॉयड लेवल पे, जितना मेरे को नहीं लगता किसी और टेक्नीशियन ने डाले होंगे, क्योंकि मेरे देवधन अग्रवाल चैनल और एसर टेलीकॉम दोनों में ही मैंने बहुत सारे वीडियो डाले हुए हैं, जो कि बहुत सालों से डाल रहा हूँ। तो मैं कह रहा हूँ कि इतने सारे वीडियो होने के बाद भी बहुत सारे वीडियो पे व्यू नहीं मिलते हैं, बट अगर कोई निगेटिव वीडियो डालोगे तो उस पर जल्द से व्यू मिल जाते हैं। रीज़न क्योंकि हमारे दिमाग में ना कंसेप्ट क्लियर है, हमारे दिमाग में सबसे पहले नेगेटिव चीज़ चली आती है, फिर पॉजिटिव चीज़ भी धीरे धीरे आती है, क्योंकि अगर पॉजिटिव एकदम से आ जाएगी तो आप अच्छे नहीं बन जाओगे लाइफ में, अच्छे हर कोई नहीं बन सकता दोस्तों, क्योंकि अच्छा वही बन सकता है जो अपने दिमाग को स्थिर रखे और सोचे कि हाँ भाई इसका बैकग्राउंड तो चेक करो कि इसके बैकग्राउंड में क्या वाकई में ये सारी चीज़ें, लोग सिर्फ एक कमी निकाल के पूरे आदमी को गलत ठहरा देते हैं, और ये होता है बेखूबी की बात है। तो दोस्तों पहला मैंने आपको बताया कि कौन सा इंस्टीट्यूट आपको ज्वाइन करना चाहिए, कि एटलीस्ट थोड़ा सा एक्सपीरियंस उनको तो एटलीस्ट थोड़ा सा चाहिए, विदाउट एक्सपीरियंस नया इंस्टीट्यूट को जाके क्या सीखोगे भाई, किसी नए आदमी से क्या सीखोगे जिन्हें ताज़ा खुद ही सीख करा है। दूसरा मैंने आपको बोला कि एटलीस्ट दुकान अपनी ऐसी जगह पर डालना कि जहाँ आपको काम आए। अक्सर मैंने बहुत सारे देखे, क्योंकि मेरे बहुत सारे स्टूडेंट हैं, 10,000 के ऊपर हमने स्टूडेंट पढ़ाया। अगर मैं आपसे बात करूँ कि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसी जगह गलती कर देते हैं कि घर पे दुकान खोल देते हैं, घर पे तो खैर चलेगा, आप खोल सकते हैं क्योंकि कोई बजट नहीं होता, तो समझते हैं कि कोई गली मोहल्ले में दुकान खोल देते हैं, और वहाँ पर कोई ऐसा मार्केट भी नहीं होता, तो वहाँ कोई मोबाइल बनने ही नहीं आता। अब जब काम ही नहीं होगा तो दिन भर बैठ के क्या करोगे, फिर क्या होती है, निराशा पैदा होती है, फिर आपको लगेगा यार मैं क्या करूँ, मैं बेसिकली काम ही नहीं मिल पा रहा है, तो वो निराश हो जाता है दोस्तों। तो ये नहीं होना चाहिए। बहुत सारे भाई बंधु ये वीडियो देख रहे होंगे, वो तो कहेंगे, हो सकता है ये भी कहें कि हमारी तो बहुत कॉर्नर किनारे में है और हम तो बहुत अच्छा कमा रहे हैं। तो मेरे भाई एक समय आता है सबका कि अगर आप पेड़ के नीचे भी, अगर आप पेड़ के अंदर भी, अगर छाल के पीछे भी बैठे होगे ना, तो भी लोग आपको ढूंढ लेंगे, पर वो समय भी आने के लिए थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ता है। पर जो नया आदमी है ना, आप सब जानते हैं कि जो भी नए आदमी, जो पुराने देख रहे हैं वीडियो में, वो एग्री करेंगे मेरे साथ कि जो नया होता है ना, वो पेशेंट लेस होता है दोस्तों, वो बिल्कुल इम्पेशेंट होता है। इस अगर मैं बात करूं, पैनिक के जैसा होता है, 2-3 दिन में अगर कोई काम नहीं आएगा तो पैनिक हो जाएगा कि यार ये क्या हो रहा है, मैं किस धंधे में आ गया। पहले वो कर रहा होता साड़ी की दुकान में बैठा या कुछ भी कर रहा होता, वो ज़्यादा अच्छा था, पर ये किस धंधे में आ गया, यहाँ तो मेरा कोई बिजनेस ही नहीं आ रहा है। तो सबसे बड़ा सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट काम ये है कि आप अपना जो शॉप है वो ऐसी जगह पर खोलो कि जहाँ आपको मार्केट मिले, जहाँ पे मेन मार्केट में हो, फ्रंट आपके फ्रंट किसी बड़ी रोड पे हो, और जहाँ बैनर लगा सको। एडवर्टाइजमेंट बहुत ज़रूरी है आपके शॉप के लिए। छोटे छोटे पैम्पलेट बनवाइए और उसको अपने हर मोहल्ले के दरवाजे के बाहर आप खुद छोड़ के आइए। देखो दोस्तों, अगर बड़ा बनना है ना तो छोटे से शुरुआत करनी पड़ती है। कहते हैं जीरो से हीरो बनना है, तो जीरो से लेवल से काम चालू करना पड़ेगा। कॉलेज के बाहर आप बंटवा सकते हो, मोबाइल बनाइए बिल्कुल कम, शहर में सबसे कम दामों पर मोबाइल बनवाइए। अपना टैगलाइन ही डाल लो कि शहर में सबसे कम दामों पर सिर्फ आपको चिप लेवल पे हम मोबाइल बना के देंगे, और वो जो सर्विस सेंटर मना कर देता है वो हम बना के देंगे। ऐसा करके कुछ टैगलाइन डालो अपना, लोगों के घर में विजिटिंग कार्ड पहुँचाओ। आप देखो 10 लोगों के घर में विजिटिंग कार्ड पहुँचेगा, एक बंदा तो आएगा आपके पास, 102% बता रहा हूँ, वो आपका विजिटिंग कार्ड आपसे फ़ोन करके आपकी दुकान का एड्रेस पूछ कर आएगा। एक बंदा आपके पास आएगा फ्रंट रोड पे, तो आपको वॉकिंग कस्टमर भी मिलेंगे, आपको भी मज़ा आएगा सामने दुनिया चलते हुए। क्योंकि दोस्तों मैंने बहुत से बार ऐसा देखा है कि शुरुआत में लोग जो
अंदर कुचरे में अगर जगह जो शुरुआत में लोग कम बजट में कम रेंट के कारण अगर दुकान डाल देते हैं तो वो कहीं ना कहीं लॉस में जाते हैं और वो आगे जाके धंधा छोड़ देते हैं। तो ये सबसे बड़ा मेन पॉइंट ये है कि आप ये देखिए, आप ये इंश्योर कीजिए कि आपकी दुकान अच्छी जगह पे होनी चाहिए। अब दूसरा बात करते हैं, आपके पास में टूल लो का बजट काफ़ी अच्छा होना चाहिए। सबसे पहली बात तो आप ऐसे इंस्टीट्यूट से सीखा हो जो एंड लेवल पे आपको सीखा है, एंड लेस। तो आज के डेट में अगर आप एंड्रॉयड का काम कर रहे हो तो मैं एंड्रॉयड की बात बताऊँ तो माइक्रोस्कोप बहुत इंपॉर्टेंट होता है। माइक्रोस्कोप के लिए फिर एक आप जरूरी नहीं है कि आपको टीवी हो, क्योंकि टीवी तो एक ये है कि देखने के लिए कि भाई सामने वाला आप किसी को दिखाना चाहते हो। मैं टीवी को रिकमेंड नहीं करूँगा। टीवी तो एक आपकी उपज है कि आपको लगाना है एक अच्छे लुकआउट के लिए, तो वो आप लगा सकते हैं, बाकी मैं रिकमेंड नहीं करूँगा। दूसरी चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप सबसे मेन चीज़ है अपने टूल पर पैसा खर्च कीजिए। सोल्डिंग आयरन आप कम से कम अच्छा खरीदिए। आप अगर सोचेंगे कि मैं 150-200-250 रुपए के सोल्डिंग आयरन से काम चालू कर दूं, तो दोस्तों काम तो चालू कर देंगे पर बहुत अच्छा लेवल पे काम आपको करना है तो अच्छे लेवल के टूल आपको परचेस करने पड़ेंगे, थोड़ा सा बजट बढ़ाना पड़ेगा। अगर मैं बात करूं SMD की, तो आपको SMD भी काफ़ी अच्छी परचेस करनी पड़ेगी। 857 आप परचेस कर सकते हैं, काफ़ी अच्छी SMD है, 5,500-5,000 रुपये में आपको मिल जाएगी। उसके अलावा और भी टूल की बात करूं, जैसे सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर में, अगर आप सिर्फ हार्डवेयर का काम करते हैं तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, पर अगर सॉफ्टवेयर का काम करते हैं तो आपको UFI और या JTAG आपको परचेस करना पड़ेगा, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि डेड मोबाइल आएंगे मेरे भाई। कैसे बनाओगे डेड मोबाइल, तो इनके बिना बन ही नहीं सकते। अनलॉकिंग की बात करो तो इनके बिना हो ही नहीं सकता, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके पास होना। और अगर आप आईफोन के काम कर रहे हो, और अच्छा एंड्रॉयड की बात पूरी करूँ, तो आपको स्कीमेटिक लेवल पे आपको एक कंप्यूटर बहुत ज़्यादा जरूरी है, जिसमें आपका डाटा वर्क होना चाहिए। कंप्यूटर में आप मोबाइल को डिटेक्ट करना है या उसको फ्लैश करना है, बहुत सारी चीज़ें। एक PC आपके पास में अच्छा होना चाहिए, एक आपके पास में हार्ड डिस्क होनी चाहिए जिसमें आप अपनी फाइलों को रख सके, क्योंकि देखो कस्टमर सामने खड़ा है, आपको फ्लैश करना है। अब आपने इंटरनेट से डाउनलोड की, अब इंटरनेट में एकदम से डाटा नहीं है या स्पीड नहीं है, तो कस्टमर तो आपका आधे घंटे के अंदर चला जाएगा। फिर आप क्या बोलोगे, शाम को आके लेना? हर कस्टमर दोस्तों शाम को आके लेने वाला नहीं होता है, फिर ऐसे में भागेंगे कस्टमर। कस्टमर को ऑन द स्पॉट काम दो, उनको 10 मिनट रुकाओ, वो 10 मिनट रुकेंगे बाहर सिगरेट पी के आएंगे, और तब तक आप उनको मोबाइल बना के दो। क्यों नहीं आप बना सकते हैं। आपके पास में उपकरण, आपके पास में इक्विपमेंट होना चाहिए प्रॉपर। फ्लैश फाइल का एक डाटा अलग बना के अपने पास रखिए, कंप्यूटर एक अच्छा रखिए अपने पास, एक सर्किट डायग्राम लेवल पे टूल रखिए। आप कोई सा भी टूल परचेस कर सकते हैं। कॉम्बिनेट प्रो भी बहुत अच्छा है, अभी बहुत अच्छे अपडेट आने वाले हैं, बोर्नियो या उसके अलावा बहुत सारे, पर वो चलाना भी आपको आना चाहिए दोस्तों। ये बहुत मदद करते हैं मोबाइल रिपेयरिंग में, सच बताऊँ तो। बहुत सारे टेक्नीशियन सीख के जाने के बाद भी परचेस नहीं करते हैं, फिर ये एक ऐसी चीज़ है जो आपको हेल्प करती है। आईफोन की बात करो तो बहुत सारी चीज़, आईफोन में DC मशीन, मल्टीमीटर और ये सारी चीज़ें तो एंड्रॉयड में भी आएंगी। दोस्तों मैं टूल की लिस्ट बताऊंगा तो बहुत सारी है, आप देख ही रहे होंगे मेरे यहाँ टूल की लिस्ट, टूल का जमाना लगा हुआ है यहाँ पर, सच बताऊँ तो। और हर एक टूल मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर टूल मेरे लिए खुदा की तरह है। मैं रोज़ अपने टूल को साफ करता हूँ, उसकी पूजा करता हूँ, ये सोच के कि क्योंकि इसी से मुझे धंधा मिलता है दोस्तों। मैं रोज़ 4 मोबाइल बना के बहुत अच्छा पैसा कमा लेता हूँ, बट ये मेरे अंदर की खुशी है कि भाई मेरे टूल अगर अच्छे होंगे तो मेरा काम जल्दी होगा। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आपको काम अच्छा रखना है तो अपना बजट पूरा की पूरा टूल में रखो। दोस्तों मैं टूल पे डेडिकेट वीडियो बहुत सारे बना चुके हैं, मैं एक आगे भी एक बना दूंगा और नेक्स्ट वीडियो में इस पर डेडिकेट डालूंगा, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि टूलों का क्या बजट होना चाहिए। तो मैंने आपको एक ब्रीफ में बता देता हूँ कि बेसिकली मैंने इस वीडियो में आपको क्या समझाने का प्रयास किया है, कि सबसे पहले मैं आपको बताया है कि देखो किसी भी इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करो या मोबाइल रिपेयरिंग में फील्ड में आना है, इंस्टीट्यूट की फीस को मत देखो, इंस्टीट्यूट को देखो और देखो कि वो कितना पढ़ा हो, कितने लेवल पे उसको नॉलेज है, वो कितने टाइम से दे रहा है। 4 दिन पहले और 10 दिन पहले खुले इंस्टीट्यूट आपको क्या देंगे मुझे तो नहीं पता। दूसरी बात, आप अगर दुकान खोलते हो ये सोच के कि अब मैं काम आ गया है मुझे, तो अपना दुकान एटलीस्ट ऐसी जगह पे खोलिए जहां आपको धंधा थोड़ा सा मिल सके, क्योंकि कोने को चारे में आप दुकान खोलेंगे। अगर आपके दुकान मान लो नहीं चली किसी वजह से, दुकान में कोई धंधा नहीं आया, तो ये बहुत बढ़िया एक डाउन लेवल पे आप डाउनग्रेड हो जाएंगे, आप अपने सोच से अपने पॉजिटिव आपकी पूरी नेगेटिव चीज़ बन जाएगी। दूसरी अगर मैं सबसे बड़ी बात करूँ, अपना शॉप का एडवर्टीजमेंट करते रहो, नए नए कंसेप्ट निकालो। मोबाइल आज 2 मोबाइल बना के 1 मोबाइल फ्री में बनाओ,
नए कंसेप्ट बनाओ, किसी भी कस्टमर को आप ऐसे ऐसे बनाओ कि पांच मोबाइल पर मतलब इतने परसेंट डिस्काउंट दे दो, या किसी भी मोबाइल पे इतने लेवल पे कुछ परसेंट डिस्काउंट दो, हर दिन किसी एक जन का मोबाइल फ्री में बनाओ दोस्तों, किसी ऐसे का जिसको ज़रूरत हो, किसी ऐसे जो माई आती है, जो बूढ़े बाबा आते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे आते हैं जो गरीब से होते हैं, अपने मोबाइल बनवाते हैं और उनके फॉल्ट भी जरा जरा से होते हैं, उनका फ़ोन फ्री में बनाओ, आप देखो अंदर से खुशी मिलेगी और ऊपर अल्लाह और आपका ईश्वर इतना देगा आपको कि आपकी दुकान में पैर रखने की जगह नहीं होगी। और ये बात मैं देवेंद्र नगवाल अपने चैनल पर कह रहा है और जो एक दिन होगा दोस्तों। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आशा करता हूँ कि इस वीडियो से भी आपको बहुत ज़्यादा मदद मिले और आपको समझ में आए कि मुझे करना क्या है। जल्दबाजी बिल्कुल मत करना किसी भी इंस्टीट्यूट में ज्वाइन करने से पहले, या कहीं भी दुकान मत खोलना दोस्तों। नॉलेज बहुत अच्छा होता है, मैंने ऐसे बहुत से लोगों को देखा है जिनको नॉलेज बहुत अच्छा है पर दुकान उनकी सही जगह नहीं है। तो समझ लो, जान लो और अपने काम पर ध्यान दो, हार्ड वेट करो दोस्तों और अपने बारे में सोचो, सिर्फ अपने बारे में सेल्फिश हो जाओ और ये सोचो कि आप कितना आगे बढ़ सकते हो और इसी पे काम करो, दूसरों पे नहीं। थैंक यू वेरी मच।